काम करवाए हैं। झकनावदा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। खरगोन जिले के टांडा बरूड क्षेत्र में इन दिनों बारिश के चलते आवागमन अवरुद्ध सा हो गया है। विगत चार महीनों से टांडा बरूड फाटे से मोहना तक बनने वाले सड़क निर्माण कार्य समय पर पूर्ण न होने की वजह से आवागमन अवरुद्ध हो रहा है। सड़क निर्माण में पड़ने वाले दो पुलिया निर्माण अधूरे होने की वजह से बाईपास रास्ता बह गया, जिसे जिला मुख्यालय से टांडा बरूड चलने वाले मार्ग दो पहिया और चार पहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। किसान, व्यापारी और रोजमर्रा का कार्य देखने वाले आम लोगों के कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां एक ओर जिला मुख्यालय जाने वाले छात्र शिक्षा से वंचित रह गए, वहीं ग्राम में आवागमन का साधन न होने से महंगाई की मार भी कृषक वर्ग व आमजनों को झेलना पड़ रही है। उधर सड़क निर्माण मार्ग में ठेकेदार बबन अग्रवाल की तानाशाही चरम पर है। राजनीति दबाव के चलते जहां घटिया निर्माण कार्य हो रहा है, वहीं उक्त ठेकेदार को राजनीति संरक्षण के चलते समय पर कार्य पूर्ण नहीं करा रहा है। वहीं विभागीय अधिकारी भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बरूड से रामेश्वर कुमराउत की रिपोर्ट। भैया, ये दो रोज से बसें नहीं चल रही, इसके कारण क्या है? ये पुलिया बनाने वालों ने, प्रधानमंत्री सड़क योजना वालों ने पुलिया नहीं बनाने से बाईपास को सही तरीके से नहीं बनाया, और वो इस वजह से गांव में बसें नहीं आ रही दो रोज से, और पूरे आमजन परेशान हो। अगर पुल बन जाता तो आवागमन चालू रहता और सब साधन बढ़िया रहता। किसानों की भी आफत हो गई और गांव वालों की भी, स्कूल जाने वाले बच्चों की और जो नौकरी पेशे पर जाते हैं उन लोगों की भी बहुत दिक्कत खड़ी हो गई। आपका नाम? पंकज सिंह ठाकुर। सर, ये ठेकेदार की लापरवाही है क्या? हाँ, ठेकेदारों ने रास्ता बनाया है, आने जाने में बहुत परेशानी पड़ रही है। हाँ, पब्लिक को बहुत मुश्किल का मैदान मुकाबला उठाना पड़ रहा है। तो ठेकेदार ऐसा कार्य अभी तक पूर्ण क्यों नहीं कर पाया? उसकी लापरवाही। उसे अभी रास्ता नहीं बनाया, इसमें आवागमन क्या हो रही है? आने जाने का नहीं बनाया उसने। नदी में बहुत पानी आ गया था कल से 5-4 बजे से, आज तक बहुत परेशानी पड़ रही है उसमें आने जाने की। नहीं रास्ता बनाया और नहीं पूरा उसका काम उसने करा। आपका नाम? मेरा नाम मुबारक खान।